हेलो मुकुल, कैसे हैं आप? मुकुल, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अभी आपने जो दिसंबर में जो एग्जाम हुआ नेट का वो दिया है, और शायद आपने फर्स्ट टाइम दिया है, और आप शायद आपने फर्स्ट टाइम में वो एग्जाम क्लियर कर लिया, और अभी आप एमकॉम प्रीवियस में ही है ना? एमकॉम प्रीवियस का दिया है, अभी एमकॉम प्रीवियस का देखे भी फाइनल में है ना आप? तो मुकुल, आपको कैसा फील हो रहा है अभी, जैसे आप फर्स्ट चांस के अंदर ही और एमकॉम अभी आपने प्रीवियस ही दिया है, अभी फाइनल भी आपका नहीं हुआ है ना, फाइनल आप देंगे, तो आपको कैसा फील हो रहा है अभी? अच्छा लग रहा है सर, मतलब खुद को कॉन्फिडेंस भी आया है कि नेट निकला है, अगला कैंडिडेट में जेआरएफ निकल रहा है, नेक्स्ट में मतलब आपका जेआरएफ भी निकल रहा है। अच्छा मुकुल, जब मतलब आपको यहाँ कोचिंग के बारे में जानकारी कैसे मिली? गूगल से आपको जानकारी मिली। तो जब आप यहाँ पे कोचिंग के लिए आए, उस समय जो भी जैसे आपने काउंसलिंग जो भी की किसी के साथ, जब काउंसलिंग हुई उस काउंसलिंग में जो जो चीजें आपको बताई गई थी कि ज्वाइन करने से पहले क्या होता है कि हर इंस्टीट्यूट अपने बारे में बहुत चीजें बढ़ चढ़ के बताता है, तो जो चीजें आपको बताई गई थी क्या वास्तव में आपको वो चीज जब तक आपका सिलेबस हुआ कम्प्लीट कोर्स हुआ वो सारी चीजें आपको क्या मिल पाई क्या? हाँ सर, मुझे सारी चीजें मिली। जैसे क्या क्या चीजें काउंसलिंग में आपको बताया गया था कि आपको टैक्सीज मिलेगी, आपको नोट्स प्रिंटेड मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा बुक्स लेनी पड़ेगी, और उसके अलावा 5 आवर्स की क्लासेस होगी, और एक्सपर्ट फैकल्टी रहेगी, ऐसा नहीं कोई एक ही फैकल्टी पढ़ाएगी। और जब कोचिंग में आए तो मेरी हुआ नोट्स भी सारे प्रिंटेड थे, एक्स्ट्रा बुक्स भी लेनी पड़ी, और टेस्ट ऑनलाइन भी थे ऐप के थ्रू, जैसा कि हमारा पैटर्न है सेम, और टीचर्स भी सारे अलग अलग फील्ड के अलग अलग। तो आप टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मतलब टीचर्स ने अपना कितना परसेंट आपको डिलीवर किया, और जो पढ़ाया उससे आप सेटिस्फाई नहीं क्या फील, और कंटेंट स्टडी मटेरियल आपका कैसा रहा? सर, टीचर से हमें सेटिस्फाई 100% हर टीचर ने अपना देने की कोशिश की है, और देखिए एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो ऐसा तो कह नहीं सकते कि जो टीचर पढ़ाए वो सारा ही है, तो वो तो एग्जाम के पर, लेकिन टीचर ने सबने अपना पूरा किया है, और नोट्स भी अच्छे थे। अब मतलब आपने जो नेट क्लियर किया है इसके लिए आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे कि हाँ कि ये मेरे सपोर्टिव रहे, इन्होंने मोटिवेट किया, किस किस को आप ऐसा कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स को कहना चाहूंगा, उसके बाद में आपको सारी फैकल्टीज और कोचिंग को धन्यवाद है, उन्होंने साथ साथ पर मेहनत कर रही है, अगर हम सारी बुक्स लेके बैठे तो शायद पॉसिबल नहीं होता 6 महीने में फर्स्ट टाइम, तो आपने वो बता दिया कहाँ से कितना बिल्कुल क्रिस्प किया पड़ना है। अच्छा, अब जो इन फ्यूचर अगर कोई स्टूडेंट नेट करना चाह रहा है तो उसको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उसके लिए? ये सर, मैं आपकी तो सजेस्ट करूंगा, एक को मैंने कर भी दिया है। अच्छा अच्छा, आपने कर भी दिया है? कर भी दिया। अच्छा अच्छा, तो वो आता ही होगा कुछ दिन में, मैं तो आपकी तरह सजेस्ट करूंगा, मतलब आप बिल्कुल हमारे से फुली सेटिस्फाई हैं। और मुकुल, आप अपने आप इसके अलावा अगर कुछ मतलब न्यू जो स्टूडेंट उनको कुछ कहना चाहें तो आप बता सकते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि कंटेंट की पीछे मत भागिए कि यहाँ से पढ़ने वास्ते पढ़े, जो आप कोचिंग दे रही है वो बहुत ही सफिशिएंट है, उसको पढ़िए, जो टेस्ट दे रहे हैं वो करिए, रेगुलर रहिए आराम से। थैंक यू मुकुल। अभी आप ना अभी जैसे आप हमारे से यहाँ से फुली सेटिस्फाई हैं, तो इन फ्यूचर आपके जो भी सर्कल में हो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, और आप साथ में उनको बताइए कि जैसे हम लोगों ने स्टडी मटेरियल दिया, अब हमने क्या किया कि मार्केट में कोई स्टडी मटेरियल लेना चाहे तो वो भी हम देंगे, टेस्ट सीरीज अगर हमारी कोई ज्वाइन करना चाहे वो भी हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे, तो मतलब हम ये कहेंगे कि आप हमारे यहाँ से फुली सेटिस्फाइड हैं। थैंक यू सो मच।